दुनिया की नजरें फिलहाल T20 वर्ल्ड कप पर है, जिसकी शुरुआत कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। हालांकि इस बीच BCCI ने अफ्रीका के खिलाफ ODI टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में कई युवा चेहरे नजर आ रहे हैं, साथ ही T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी वनडे टीम का हिस्सा नहीं है। शिखर धवन को टीम का कप्तान बनाया गया है, तो वही श्रेयस अय्यर टीम के उपकप्तान बनाए गए हैं। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन, संजू सैमसन, शहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, आवेश खान, मोहम्मद सिराज और दीपक चहर टीम में शामिल हैं। इस टीम में युवा खिलाड़ियों को जगह दी गई है। अगले साल वर्ल्ड कप को देखते हुए ये सीरीज इन युवा खिलाड़ियों के लिए अहम है, क्योंकि जो भी इस सीरीज में चमकेगा उसकी वनडे टीम इंडिया में डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी।